सीएम योगी आदित्यनाथ आज नामांकन दाखिल करेंगे। गोरखपुर सदर सीट से नामांकन करेंगे सीएम योगी। नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, गोरखपुर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा। पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गोरखपुर सदर सीट से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें, उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता, समर्थक, कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के उनके साथ मौजूद रहने की खबरें सामने आ रही है। तो गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहेंगे, तमाम समर्थक और कार्यकर्ता भी उनके साथ यहां मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, कह सकते हैं पहली बार विधानसभा का चुनाव यहां पर आदित्यनाथ लड़ेंगे और उसी को लेकर गोरखपुर सदर सीट से आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का ये इलेक्शन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बाकायदा एमएलसी के कोटे से बने थे और ऐसे में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये चुनाव। और जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, बहुत ही भव्य रूप से तैयारी की गई है। हालांकि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है और नामांकन से पहले बाकायदा वो अपने मंदिर में हवन और पूजा कर रहे हैं, ताकि जो विधि विधान होता है, जो रीति रिवाज होता है नामांकन का, उसको पूरा किया जाए। ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में वो गोरखपुर पहुंच जाएंगे। इसके साथ कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी नामांकन में रहेंगे और मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम उनके पार्टी ऑफिस से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जिसकी तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारियों ने पहले से कर रखी है। एहतेशाम, अगर टाइमिंग की बात करें तो कुछ पता चल पाया आपको किस वक्त यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, नामांकन का वक्त दोपहर का रखा गया है, मुहूर्त के हिसाब से रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो एक प्रोटोकॉल होता है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और कार्यकर्ता समर्थक उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। तो अक्सर जो भी बड़े लीडर्स होते हैं जब वो नामांकन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं सही वक्त जो होता है, जो तयशुदा वक्त होता है, उससे थोड़ा सा विलंब हो जाता है। यूपी में थोड़ा सा मौसम भी खराब है। लखनऊ से बात करें, पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस के साथ साथ कोहरा फाग भी है। तो ऐसे में लगाया जा रहा है अनुमान की जो नामांकन का वक्त है उससे थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ठीक है एहतेशाम, उनके नामांकन पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।